हेलो दोस्तों, आज इनसे के देखिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, प्रॉफिट एंड लॉस वाला, लाभ और हानि वाला। देखिए 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए दोस्तों, जब ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप कैसे हल करेंगे? दोस्तों जब भी इसको आपको दोस्तों विक्रय मूल्य दिया है, इस विक्रय को आप क्रय मानेंगे, क्या मानेंगे इसको? क्रय मूल्य मानेंगे। तो क्रय मूल्य कितना दोस्तों इसका? 16 रुपये। और विक्रय मूल्य कितना हो गया? और विक्रय को विक्रय कर लेंगे, इसको क्या मानेंगे? विक्रय। तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 12 हो गया। अब 16 में क्रय करी और 12 में बेची, तो क्या हुआ दोस्तों? इसको हानि हो गई 4 रुपये की। कितने रुपये हानि हुई? 4 रुपये की। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा? 4/ क्रय मूल्य कितना? 100 16 × 100/1। 4 से काटा 4 चौक 16, 4 से काटा 4 × 8, 4 × 5 20, यानी कि 25% की इसको हानि हो गई। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई धनराशि 5% दर से कितने वर्ष में चार गुनी हो जाएगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने मिले, चार गुनी हो जाएगी, तो देखिए कितना? n-1 × 100/10, ये वाला फार्मूला अपन लगाएंगे। तो n कितना, जितना भी गुना हो वो यहाँ लिखेंगे। तो यानी 4 − 1 × 100/5। तो यहाँ से काटेंगे, देखो 5 से काटेंगे, 5 × 10 = 20 आ गया, और 4 में से गया तो 3, कितने बचे? 3। 3 का गुणा 20 से करें तो 20 = 60 हो जाएगा। तो 60 वर्ष काय में आ रहा? सी ऑप्शन में आ रहा। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, दोस्तों में शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें।